मौत कैसी होती है किससे कहानियों में हमने पढ़ा है मौत हसीन होती है मौत वो महबूबा है जिससे एक, एक दिन मिलन हो ही जाता है हम उसे चाहे भी तो टाल नहीं सकते मौत तब आती है जब आपके सभी दुखों का अंत हो चुका है मौत हमें हमारे इस शरीर से मुक्ति दिलाकर एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है पता नहीं ये बातें किसी ने कब कही होंगी या किस किसने क्यूँ कही होंगी पर कुछ लोगों के अनुभवों को जानकर तो यही लगने लगा है कि मौत हसीन होती है एक सवाल जवाब वेबसाइट क्योरा पर किसी ने एक सवाल पोस्ट किया जिसमें उसने पूछा कि मौत का अनुभव कैसा होता है जिसके बाद तमाम लोगों ने अपने अनुभव गिनाए इनमें से जांच के बाद पता चला कि अधिकतर लोग मौत के बेहद करीब जाकर वापिस आए हैं कुछ कई दिनों तक कोमा में रह चुके थे तो कईयों की सासे टूटने के बाद जुड़ गई थी कुछ लोगों का कहना है कि मौत बेहद शांति देने वाली होती है हमें मौत से नहीं डरना चाहिए तो कुछ का कहना है कि उन्होंने अपनी मौत के बाद जिस दुनिया में कदम रखा वहां उन्हें वो परिजन मिले जो उनसे पहले ही मौत को प्राप्त हो चुके थे वेरा मेगान नाम की लड़की ने मौत के बाद क्या महसूस किया वो हम अपने पाठकों के सामने रख रहे हैं। मेगान नाम की युवा लड़की ने मौत के बारे में अपने अनुभव को कुछ ही व्यक्त किया मेरे लिए मौत आनंददायक निर्मल रोमांचक शांति से भारी और आरामदायक रही मेगान का कहना है कि वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि उनका अनुभव कैसा था मेरे पास शब्द नहीं है बस इतना कह सकती हूँ कि वो लम्हे मेरे लिए सबसे शानदार थे मेगान जब 11 साल की थी तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से उनकी मौत हो गई थी ये गैस पानी के हीटर से निकली थी वो पूर्व सोवियत संघ में रहा करती थी मेगान कहती हैं कि जब उन्हें मौत को महसूस करना होता है तो सो जाती हैं खुद को भारी कपड़ों से ठक लेती हैं और मौत के आगोश में सो जाती हैं ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को उन लम्हों के करीब पा रही होती हूँ मेगान अपने मौत के अनुभव के बारे में बताती है वो कहती हैं कि मेरे दिल की धड़कने बेहद तेज हो गई थी मानो वो लेस कर रहा है मेरा सिर चकरा रहा हो मानो वो चक्र घिनी बन गई हो ऐसा लगता था जैसे मेरे सर पर दो बड़े छेद हो गए हों और मैं अभी मरने जा रही हूँ ये वो समय था जब मैं मरने जा रही थी ये मरने से पहले के इंसानी शरीर का तकादा होता है कि वो आने वाले सफर के बारे में दिमाग को बता दे जो अगले ही पल शून्यता से घिरने वाला होता है दिमाग को पता चला जाता है कि वो भारी मुसीबत में होता है जिससे वो खुद ही खुद को बचा सकती है मेगान आगे बताती है कि वो मरने वाली थी और कोई भी उन्हें सुन नहीं रहा था अचानक मुझे लगा कि मैं रंगों में घिर रही हूँ अजीब से दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे और यहीं से मेरी मौत के बाद का सफर तय हुआ मेगान अपने शरीर को छोड़ चुकी थी वो कहती हैं कि मुझे सबसे पहले गीले बादल दिखे कुछ ऐसा दिखा जैसे हम टेलीस्कोप से अंतरिक्ष को निहार रहे हों कई तरह के रंग एक से दूसरे में समाते जा रहे थे कोई शोर नहीं था कोई आवाज नहीं थी ये सब मेरे आसपास हो रहा था और मैं इसे सिर्फ महसूस कर पा रही थी ये। सब मुझे बेहद खूबसूरत लगा ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर खींच लिया हो मेरा पूरा शरीर फेफड़े के माफिक लगने लगा अचानक पूरा शरीर गायब हो गया और तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं अंतरिक्ष में हूँ अचानक रोशनी दिखने लगी मुझे किसी तरह का आभास हो रहा था कि मुझे कोई खींच रहा है मैं खुद को देखने की कोशिश कर रही थी पर मैं वहाँ थी ही नहीं वो पहला लम्हा था जब मैं चौंकी थी डरी नहीं मुझे अकेलापन भी नहीं लगा वहाँ और भी थे जिन्हें मैं देख नहीं पा रही थी पर वो थे क्योंकि वो मुझसे बात कर सकते थे वहाँ मेरा स्वागत किया जा रहा था और तभी सब कुछ रुक गया मानो सब कुछ एक दूसरे में समा गया हो सब कुछ शून्यता से भर उठा मेगान ने आगे कहा आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये कि मुझे अचानक ही कहीं ढकेल दिया गया हो ये चौंकाने वाला था पर मैं खुश थी और तभी शायद मैं वहाँ से विदा की जा चुकी थी धरती पर मेरी रुकी सांसें चलने लगी थी क्योंकि मेरे पिता ने एम्बुलेंस बुलाकर मुझे अस्पताल पहुंचाया पर मेरे पिता भी बहुत चीख थे डॉक्टरों ने मेरे पिता से कहा कि आपने बच्ची को लाने में देर कर दी इसकी मौत हुए करीब 15 सेकंड 45 मिनट बीत चुके हैं पर मेरे पिता नहीं माने वो डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा मेरे पिता बोले प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए मेरी बच्ची को वापस लाइए और तभी मेरी सांसें चलने लगी इस पंद्रह सेकंड-पैंतालीस मिनट के बीच का सफर मैं आप सबके साथ साझा कर चुकी हूँ वो मेरे लिए अनमोल थे